नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड की प्रवेश परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाए उसे भी ध्यान से सुनिएगा। और ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए है। एंड क्लास के अंत में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ऐड निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है। इसका आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क यूएसए का शहर है। अगर पूछा जाए न्यूयॉर्क कहां पर है, अमेरिका में है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हडसन नदी किनारे। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। हडसन नदी किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इस बार आप सभी का राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? क्या पूछा गया है? अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहां पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। बताइए अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहां पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई तमिलनाडु। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यस स्वीटी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग याद रखिएगा, अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय तमिलनाडु चेन्नई में है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। बताइए धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। बताइए धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिथेन। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, धान के खेत से मिथेन गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मिथेन गैस, मार्स गैस भी बोला जाता है। ये सामान्यतः दलदली इलाकों में पाई जाती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है मिथेन गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा CH4। क्या दोस्तों? CH4 मिथेन गैस का केमिकल फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। बताइए नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपको बताना है नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट अरोंग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 वर्षों का। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कावेरी जल की भागीदारी किनके बीच एक विवाद है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? कावेरी जल की भागीदारी किन राज्यों के बीच इनमें से विवाद है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, या फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु और कर्नाटक, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, कावेरी जल की भागीदारी तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। बताइए कालाजार बुखार किससे फैलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कालाजार बुखार किससे फैलता है? सभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रेतीली मक्खी के काटने से। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रेतीली मक्खी के काटने से कालाजार बुखार फैलता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुड, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। बताइए लार किसके पाचन में मदद करती है? सब इसका आंसर करिएगा, लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन, या फिर वाइट में? क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टार्च। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, स्टार्च के पाचन में सहायक है लार, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
इसमें भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही उत्तर है। गुड इवनिंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए, बताइए मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मोमबत्ती केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है, कन्वर्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बताइए वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? क्या पूछा गया है? वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। अगर लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते हो बाद में भी देख सकते हो। यस टिल्लू, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। तो 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, आपको बताना है मेके धातु परियोजना किस नदी पर है? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताइए जो मेके धातु परियोजना है किस नदी पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कावेरी। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। बीस का राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, मेके धातु परियोजना कावेरी नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये जो मेके धातु परियोजना है कावेरी नदी पर किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटका में। किस राज्य में? कर्नाटका में। कर्नाटक की सबसे लंबी नदी है कावेरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पूछा जाता है परीक्षा में, कर्नाटका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोग याद रखिएगा, कावेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, बताइए बिजली के बल्ब का तंतु किससे बना होता है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिजली के बल्ब का तंतु किससे बना होता है? मैग्नीशियम लोहे से, नाइक्रोम से या फिर टंगस्टन से? अगर पूछा जाए परीक्षा में बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग याद रखिएगा, थॉमस अल्वा एडिसन। किसने? थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, टंगस्टन। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बताइए इनमें से कौन सी एक कायांत्रित चट्टान है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सी एक कायांत्रित चट्टान है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्वार्टजाइट। डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, क्वार्टजाइट एक कायांत्रित चट्टान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, बताइए विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? सभी बताइए जल्दी से, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 31 मई को। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, बताइए विश्व में सबसे अधिक आयरन का उत्पादन कहां पर होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है, विश्व में सबसे अधिक आयरन का उत्पादन कहां पर होता है? भारत, नेपाल, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सबसे अधिक भारत में, सॉरी विश्व में सबसे अधिक आयरन का जो उत्पादन है ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, विश्व में सबसे अधिक आयरन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, बताइए स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी?
स्वतंत्र पार्टी के आपको संस्थापक बताने हैं कौन थे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 16 लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, श्री राजगोपालाचारी। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, श्री राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुड, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए वांगला त्यौहार मुख्यतः किस जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया? जो वांगला त्यौहार है मुख्यतः किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग, सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गारो जनजाति द्वारा। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, गारो जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है बांग्ला त्यौहार। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, 1799 में कहां पर हुई थी, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? टीपू सुल्तान की मृत्यु कहां पर हुई थी, 1799 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रीरंगपट्टनम। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सभी जल्दी से बताइएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? माधव राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है कहाँ पर है, ए करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। यस ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए, अभी बताना है पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, बताइए पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड, इस प्रकार से ऑप्शन है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरुणाचल प्रदेश में। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश में पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य। 21 के लिए आंसर करिए, बताइए मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जबलपुर में, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, मध्य प्रदेश का शहर है जबलपुर और जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, इसका राइट आंसर आपको बताना है, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है किस योजना के तहत हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, माउंट वेटन योजना के तहत। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, भारत पाकिस्तान का विभाजन माउंट वेटन योजना के तहत हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, किसने नेतृत्व किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मेधका पाटकर। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं कुल कितने हैं आपको बताना है, 15, 10, 8 या फिर 12, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 15। यस ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए चित्रांगदा पुस्तक किसने लिखी है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या पूछा गया है? चित्रांगदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, लेखक आपको बताने हैं, महादेवी वर्मा, अमिताभ प्रीतम, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रांगदा पुस्तक लिखी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गुड इवनिंग, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए एस्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिरका का केमिकल नेम होता है एस्टिक एसिड, आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए सिरका का केमिकल नेम क्या होता है, एस्टिक एसिड होता है, और अभी आपको एस्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला बताना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, CH3COOH।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एस्टिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए चपचार को त्यौहार मुख्यतः कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए जो चपचार को त्यौहार है मुख्यतः कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, पंजाब, तमिलनाडु, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिजोरम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है चपचार कुट त्यौहार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए महाभारत का मूल नाम क्या था? महाभारत का जो लड़ाई है, जो युद्ध 18 दिनों तक चला था, पूछा जाता है परीक्षा में, मूल नाम क्या था? जय संहिता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए चार मीनार कहाँ पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों, बताइए चार मीनार कहाँ पर स्थित है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हैदराबाद में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, हैदराबाद में चार मीनार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू कश्मीर में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गुजरात में। आप लोग याद रखिएगा, मोडार सूर्य मंदिर है ओडिशा में, कोराट सूर्य मंदिर है। तो चारों ऑप्शन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। मोडेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, कोराट सूर्य मंदिर ओडिशा में है और मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या कहाँ पर है, इसका राइट आंसर बताइएगा। भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या कहाँ पर है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटका में। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटका में सबसे अधिक भारत में हाथियों की संख्या है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा, प्रेसिडेंट। आप लोग याद रखिएगा, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा युग्म गलत है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देहरादून उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल या फिर पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, देहरादून। कई बार मैंने बताया देहरादून कहाँ पर है, उत्तराखंड में, बाकी शिमला हिमाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, और सब ऑप्शन सही है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। किस राज्य से होता है, गुजरात, पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान से। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान में साबरमती का उद्गम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान करेक्ट आंसर है। 35 के लिए आंसर करिए, बताइए आकाश का रंग नीला किसकी वजह से दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आकाश का रंग नीला किसकी वजह से दिखाई देता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए डंफा अभ्यारण कहाँ पर है, क्या पूछा गया है? डंफा अभ्यारण कहाँ पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? केरला, मध्य प्रदेश, मिजोरम या फिर तेलंगाना, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिजोरम। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, तो डंफा अभ्यारण मिजोरम में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग इनमें से कौन सा है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए भारत का प्राचीनतम विशाल
उद्योग इनमें से कौन सा है? चार ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सूती वस्त्र उद्योग। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, जो सूती वस्त्र उद्योग है भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 38 के लिए आंसर करिए। बताइए समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है? समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आयोडीन के। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है समुद्री शैवाल, तो बी इसका राइट आंसर है। 39 के लिए आंसर करिए, बताइए नाइट्रोजन गैस का रंग कैसा होता है? क्या पूछा गया है? नाइट्रोजन गैस का रंग कैसा होता है? रंगीन, नीला, सफेद या फिर अनौद्दीज? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रंगहीन, कोई कलर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, बताइए अहोम जनजाति मुख्यता किस राज्य से संबंधित है? सभी बताइए जल्दी से, जो अहोम जनजाति है मुख्यता किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम से। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, असम से संबंधित है अहोम जनजाति। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, बताइए सुनील छेत्री कहाँ किस खेल से संबंधित है? ये पूछा गया है, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है ये बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, फुटबॉल से। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा, भारत के फुटबॉलर है। कौन है भारत के फुटबॉलर है? सुनील छेत्री, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, बताइए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या पूछा गया है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, झींगा उत्पादन से। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। झींगा एक मछली होती है, झींगा क्या है? एक मछली है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, बताइए बॉक्साइट किसका अयस्क है? सभी इसका आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है? बॉक्साइट किसका अयस्क है ये आपको बताना है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, चांदी या फिर सोना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, एल्यूमिनियम का अयस्क है, बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? द्रव की चतुर्थ अवस्था आपको बतानी है कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लाज्मा। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, द्रव की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, बताइए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपको महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बताने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, बताइए गैस इंजन की खोज किसने की थी? आपको बताना है गैस इंजन की खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डेमलर। बस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, तो आप लोग याद रखिएगा, डेमलर ने गैस इंजन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, बताइए एक्सक्रम की खोज किसने की थी? ये भी बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्स किरणों की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रोहिंटजन। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, रोहिंटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, बताइए यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको यूरोप की सबसे लंबी नदी बतानी है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वोल्गा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए बताइए स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है, वॉलीबॉल, मुक्केबाजी, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वॉलीबॉल से, या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है आप लोग याद रखिएगा वॉलीबॉल से संबंधित है स्मैश शब्द, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मुक्केबाजी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वॉलीबॉल। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, बताइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये अच्छा क्वेश्चन है तभी इसका आंसर करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली, टोक्यो, जेनेवा या फिर पेरिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जेनेवा में, क्या करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी भी उनका सही उत्तर है। 51 के लिए आंसर करिए बताइए नियाग्रा वाटरफॉल किन देशों की सीमा पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, स्वीडन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यूएसए, कनाडा, या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है आप लोग याद रखिएगा, नियाग्रा जलप्रपात यूएसए कनाडा की सीमा पर स्थित है, और अगर पूछा जाए किस महाद्वीप में है तो आप लोग याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, क्योंकि ये दोनों देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर करिए बताइए मिलिंद पन्नो क्या था, सब इसका आंसर करिएगा मिलिंद पन्नो क्या था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बौद्ध पाठ, क्या था, क्या है मिलिंद पन्नो, बौद्ध पाठ है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, बताइए वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा, वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 2006 में, क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर है 2006 में भारत में वन अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, तो बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए, बताइए पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर, क्या करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, डी इसका राइट आंसर है, और पूछ सकते हैं परीक्षा में मुख्यतः किस राज्य में है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु में, मुख्यतः कहाँ पर है तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, बताइए एक चुंबक के कितने ध्रुव हैं, एक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दो, या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, एक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 56 के लिए आंसर करिए बताइए ताप का एसआई मात्रक क्या है, आपको ताप का एसआई मात्रक बताना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा केल्विन, या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए, बताइए हितोपदेश के लेखक कौन है, सभी इसका आंसर करिएगा हितोपदेश के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है नारायण पंडित, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नारायण पंडित ने हितोपदेश को लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यस सैली इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, बताइए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, डी करेक्ट आंसर होगा लद्दाख में, भारत में सबसे ऊंचाई पर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में सबसे ऊंचाई पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप लोग याद रखिएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है, लद्दाख में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए, बताइए तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जो तुजू दर्रा है भारत को किस देश से जोड़ता है, जापान, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा म्यांमार से, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, म्यांमार से जोड़ता है भारत को तुजू दर्रा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, लेखक कौन है इसके, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है, तभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सिरोल, क्या करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, गुड इवनिंग, डी करेक्ट आंसर होगा, इंडियन अरेस्ट नामक पुस्तक सिरोल ने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन इस प्रकार से है,
तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार करेक्ट आंसर होगा, म्यांमार और भारत के मध्य है तुजू दर्रा। सही क्वेश्चन है, डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 8 बजे जीके जीएस का सेशन होता है, इसे आप लोग डेली ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस।